आप भी वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च करें तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी अप्लाई करने के लिए। वीडियो में मैं सारा प्रोसेस आपको शेयर करने वाली हूँ, क्या कंपनीज की हायरिंग है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। एंड मैं कोई भी वीडियो ऐसी शेयर नहीं करती हूँ जो कंपनी की साइट से फेक हो, मैं ऐसा कोई भी लिंक मेंशन नहीं करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ मैं वही आपको हायरिंग शेयर करूँ जो एक्चुअल कंपनी की वैकेंसी है। तो आप कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज उसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेरे पास वर्क फ्रॉम होम के जो हम डायरेक्ट खुद ही आपके इंटरव्यू लाइनअप कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर से शेयर कर दूंगी कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बट जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है वो आप प्लीज अच्छे से ध्यान से सुनना कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर वो आपकी मैच हो रही है 100% आपके पास कॉल आएगा, आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा और आप सिलेक्टेड भी होंगे। थोड़े से जो इंटरव्यू टिप्स है उसके लिए भी मैं एक पर्सनल वीडियो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं आपको इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि क्या इंटरव्यूज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बट थोड़ी बहुत चीजें होती है जो आपको चेक करनी होती है कि कंपनी की जो मेन रिक्वायरमेंट्स है और हमारी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही है या नहीं हो रही, या आप अदर किसी फील्ड से है, आप किसी और सेक्टर में जॉब सर्च करें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म लेके आऊं। सो हम बात करने जा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम हायरिंग की। तो वर्क फ्रॉम होम जो हायरिंग है, इसमें जो हम अगर बात करें, सबसे पहले लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करेगी। आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, आपके पास पीसी है तो भी आप काम कर सकते हैं, बट विदाउट लैपटॉप और पीसी आप यहाँ पे प्रोफाइल में काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। सेकेंड, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लाइक आपकी परसुइंग नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का कई बार इशू हो जाता है, मतलब उनको थोड़ा सा ये होता है कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन परसुइंग में है बट हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। हमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपका बिल्कुल कंप्लीट चाहिए, आपकी 2023 में कंप्लीट हुआ है, 2022 में हुआ है या किसी भी ईयर में कंप्लीट हुआ है, इट्स नॉट ए इशू। बट वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके ऑल 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपके पास आपके ग्रेजुएशन ऑल मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। हाँ, इफ यू डोंट हैव डिग्री, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसकी जगह पे अपना प्रोविजनल दिखा सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास प्रोविजनल है तो वो कंपनी कंसिडर करेगी, बट ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सेकेंडली मैं बात करती हूँ, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज है, तमिल, गुजराती, मराठी, कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, तो कंपनी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो एडमिशन काउंसलर की प्रोफाइल है, एडमिशन काउंसलर की प्रोफाइल, कोई भी इसमें सेल्स प्रोफाइल नहीं होती है। एज पर कंपनी पॉलिसी, जो भी कैंडिडेट का कंसर्न है अबाउट कंपनी को लेके, उसके कोई भी कोर्स को लेके, किसी भी रिगार्डिंग, वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो इट्स नॉट ए लाइक सेल्स और इट्स नॉट ए लाइक टारगेट बेस्ड प्रोफाइल, इट्स नॉट ए लाइक बीपीओ सेक्टर। तो यहाँ पे आपका बीपीओ सेक्टर नहीं है, आपकी कोई सेल्स प्रोफाइल नहीं है। एंड इसमें जो आपकी ऑफिस टाइमिंग रहती है, ये प्रॉपर आपकी फिक्स डे शिफ्ट रहने वाली है, 9 to 6। एंड इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑल ओवर पैन इंडिया किसी भी लोकेशन से है, कोई किसी भी लोकेशन में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आपके पास लैपटॉप या पीसी है, आपकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन या बीटेक आपने किया है, अगर आपने कोई 4 साल का कोर्स भी किया है तो भी आप इस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया बट आपने बीटेक किया या कोई भी 4 साल का कोर्स किया है तो आप इस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंपनी की छोटी सी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको कंप्लीट करनी है। बाकी आप फ्रेशर है, आप एक्सपीरियंस है, आप किसी भी लोकेशन से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो आपका जो इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए भी कहीं किसी भी ऑफिस में नहीं जाना है, आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा जिसमें आपके 2 राउंड होते हैं। सबसे पहले आपके पास एचआर का कॉल आता है, अगर वो आपका जो कॉल आता है उसमें अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, देन उसके बाद आपके 2 राउंड होते हैं, जो आपके दोनों राउंड आपके ऑनलाइन होते हैं। आपको डेट एंड टाइमिंग आपके व्हाट्सएप पे शेयर की जाती है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, जो एचआर राउंड होता है, तो आपका वर्चुअल राउंड कब होगा और कितने टाइम पे होगा। और इसमें आपको 2 ऑप्शन नहीं मिलता, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना इंटरव्यू ड्रॉप करते हैं तो अगर आप अपना फर्स्ट जो इंटरव्यू अगर आप ड्रॉप कर देते हैं तो कंपनी सेकंड चांस आपको नहीं देती है।
वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टक कर गया तो वहां पे भी आप रिजेक्ट हो जाते हो, क्योंकि एक बात नॉर्मल से कि वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, आपके इंटरव्यू के टाइमिंग पे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा, तो कंपनी कैसे मतलब उस चीज को कंसीडर करेगी कि जब हम आपको वर्क फ्रॉम होम काम देंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन चलेगा। तो फर्स्ट आपका जो होता है इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोई भी स्टक नहीं करना चाहिए। आप अपना माइक चेक करें कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो माइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड आप ऐसी जगह कहीं पे भी बैठ कर आपको इंटरव्यू नहीं देना है, कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कैजुअल इंटरव्यू दे देते हैं, कहीं पे भी बैठ जाते हैं, पीछे से आवाज आ रही है, नहीं, इट्स अ वर्चुअल इंटरव्यू। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जब आप इंटरव्यू दे तो पीछे आपके कोई भी आवाज नहीं, क्वाइट प्लेस होना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। एंड लास्ट आप बी प्रोफेशनली इंटरव्यू दे। कई बार बच्चे कैजुअली इंटर देते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, कोई आके बीच में बोल रहे हैं, नहीं, जब आप इंटरव्यू दे रहे सिर्फ आपको बोल रहे हो, आप फॉर्मल में अगर बैठ के देंगे तो वो काफी अच्छा आपका इंप्रेशन करता है। तो आप वहां पे जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कैजुअल ना हो, आप एक प्रोफेशनली अगर आप इंटरव्यू देंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपकी काफी इंटरव्यू सिलेक्शन में काफी चीजें आपकी हेल्प करती है। किसी भी रीजन से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, डजंट मैटर, आप आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा बट आप कैजुअली इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको कंपनी नहीं सिलेक्ट करेगी, क्योंकि डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो मैं ये चीजें आपको छोटी छोटी इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये रिजेक्शन के पॉइंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का रिजेक्शन इशू आता है, तो मैं नहीं चाहती हूं, अगर आपके अंदर स्किल्स है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके पास लैपटॉप है और आप वर्क फ्रॉम होम जॉब की आपको नीड है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से आपको रिजेक्शन मिले। तो मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज शेयर करती हूं। ऐसा कोई भी नहीं कि अब मैं आपको कोई टेस्ट बता रही हूं, इसमें कोई भी आपका टेस्ट नहीं है, नॉर्मल जस्ट आपका इंटरव्यू दो राउंड होते हैं। अगर आप दोनों राउंड क्लियर करते हो तो यहां पे आप सिलेक्ट हो जाओगे। एंड ये डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे, कोई भी थर्ड पार्टी पेरोल नहीं है कि आपको कोई थर्ड पार्टी हायर किया जाएगा, ये डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे होगा। तो इसमें मैंने आपको सारी डिटेल शेयर की है। बाकी अगर आप इससे इस वर्क फ्रॉम होम जॉब में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लिंक को फिल कर सकते हैं। और ये अगर रिक्वायरमेंट्स आपके पास कंपनी से कॉल आएगा, बाकी का प्रोसेस, आपको क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस रहने वाले, वैसे नॉर्मल इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। एज ए फ्रेशर के लिए मैं बात करूं, नॉर्मल सबसे पहले तो जो चीजें मैंने आपको बताई, इंटरनेट कनेक्शन, बी प्रोफेशनल, आपका प्लीज मतलब आपका माइक क्लियर होना चाहिए एंड आप क्वाइट प्लेस पे बैठ के इंटरव्यू दे। उसके बाद सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है कि आप अपने बारे में बताइए, अपने आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है एंड आप क्यों वर्क फ्रॉम होम ही जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। आप इसी जिस भी कंपनी के लिए आपको बताया जा रहा है उस कंपनी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि किस आप कहाँ किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, उसमें आपका काम क्या है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं जब आपसे एचआर क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो आप वहां पे बोल रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको काफी हेल्प करते हैं आपके इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। एंड इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी और वो आपको शेयर हो जाती है जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो जहां तक होगी हम आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है वर्क फ्रॉम होम जॉब में और अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च करें, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप ऑल ओवर पैन इंडिया से, आपके करियर में कोई भी गैप है, आप हाउसवाइफ है, आप स्टूडेंट है, बट ये कंप्लीट है आपकी, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।